डियर स्टूडेंट्स, सिस्टिमा बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर में बहुत सारे वीडियो अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब टॉपिक पे बन चुके हैं। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों को टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें यहाँ पे 4 सब टॉपिक्स दिए गए हैं। एंडोस्पर्म जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है, इस पे वीडियो बन चुका है, आज मैं आप लोगों को एम्ब्रियो के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर सीड और फ्रूट के बारे में अलग अलग लेक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रियो जेनेसिस, एम्ब्रियो जेनेसिस। और एम्ब्रियो जेनेसिस में क्या होता है, हम लोगों के एंजियोस्पर्म में 2 मेजर ग्रुप हैं, एक है डाइकोटिलीडनस प्लांट, दूसरा है मोनोकोटिलीडनस प्लांट। तो डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ना है, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर कहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, हम लोग इस वीडियो में डेवलपमेंट पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो का और मोनोकॉट एम्ब्रियो का, ठीक है। अगर लेक्चर लंबा हो जाता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 सब टॉपिक में बांट देंगे। सब टॉपिक तो है ही, इसके आगे फर्दर इसको कैटेगराइज करेंगे, एक वीडियो में डाइकोट पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में मोनोकोट पढ़ेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो एम्ब्रियोजेनी एक टर्म है, जिसको समझा जाए तो इस तरह समझ सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो जायगोट से बनता है, तो कैसे उसका विकास होता है, कैसे उसमें मैच्योरेशन होता है, जायगोट मैच्योर होकर के एम्ब्रियो का रूप ले लेता है, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, या एम्ब्रियोजेनेसिस भी कह सकते हैं। डेवलपमेंट अकर्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियोसाइट। आप लोग एम्ब्रियोसाइट का फिगर देखा होगा, ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियोसाइट होता है, ये ओव्यूल है, उसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में एक एपरेटस होता है, सेंट्रल सेल होता है और एंटीपोडल्स सेल होता है, ठीक है। तो आप लोग इससे पहले डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ चुके हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन बना करता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो यहाँ पे होता है ये PEN बन जाता है और ये PEC बन जाता है। पहले एंडोस्पर्म बनना शुरू होता है, ठीक है। तो जिस वक्त ये मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, उसी समय यहाँ पे एक दूसरा मेल गैमेट क्या होता है, एग से फ्यूज करता है,
और ये जायगोट बना लेता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आगे और पीछे ये प्रोसेस चलता है, समझिए कि साथ साथ चलता है, शुरू आगे और पीछे होता है। पहले एंडोस्पर्म बनना शुरू होगा, थोड़े ही देर बाद थोड़ा सा अमाउंट जब एंडोस्पर्म का हो जाएगा उसके बाद जायगोट में भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, उसमें भी माइटोसिस डिवीजन शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा देर से क्यों शुरू होता है, इसलिए शुरू होता है देर से क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट चाहिए। वो न्यूट्रिएंट कहाँ से चाहिए, एंडोस्पर्म से चाहिए, इसीलिए पहले एंडोस्पर्म बनता है और ठीक थोड़ी देर बाद क्या होता है, जायगोट का भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो जायगोट डेवलप होकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाने के बाद ही क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। दिस इज टू प्रोवाइड, तो ऐसा क्यों होता है उसका आंसर आपको समझाया भी गया, अभी वहां समझाए हैं और लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। दिस इज टू प्रोवाइड, ये ऐसा इसलिए होता है टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन, उसको उसका जो पोषण है सुनिश्चित हो सके, उसको गारंटी के साथ मिल सके, ठीक है। किसको मिल सके, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो आपको समझ में आ गया कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो थोड़ा सा बाद में होता है किसके शुरू होने से, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के शुरू होने से, ठीक है, इसलिए कि उसको भोजन निश्चित तौर पे मिल सके। आगे है द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ बोथ डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो इज सिमिलर। शुरू का जो डेवलपमेंट होगा चाहे वो डाइकोट प्लांट हो या मोनोकोट प्लांट हो, दोनों का डेवलपमेंट शुरू का सिमिलर होगा, बाद में वो डिफरेंशिएट करके मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो बन जाएगा। अच्छा, ये आप देखे होंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि एग एपरेटर जो होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है और एंटीपोडल चैलेजल एंड की तरफ होगा, ठीक है। तो एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट किधर होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चाहे वो डाइकोट हो या मोनोकोट हो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस एंड की तरफ होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको उलट करके ये जो ओव्यूल का जो पोजीशन है, जो फिगर है, उसको उलट करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इस तरह का मैं बनाने जा रहा हूँ। ये एग अपरेटस है, सेंट्रल सेल है और एंटीपोडल सेल, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से है स्ट्रक्चर। आपको यहाँ दिख रहा है ये जायगोट है और यहाँ एंडोस्पर्म है, ठीक है। जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, जायगोट को ओस्पोर भी कहते हैं। जायगोट को क्या कहते हैं, ओस्पोर। ये सबसे पहले डिवाइड करेगा दो सेल में, माइटोसिस दो सेल बनाता है, डिवाइड इनटू टू अनइक्वल सेल। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, माइटोसिस दो बराबर बराबर सेल बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो सेल बनेगा लेकिन अनइक्वल बनेगा, एक छोटा और एक बड़ा सेल बनेगा। तो लार्जर सेल को कहते हैं सस्पेंसर सेल, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा, ये किधर होगा, टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस एम्ब्रियो जायगोट में अगर एक डिवीजन होता है जिसमें दो सेल बनता है, तो एक छोटा और एक बड़ा, बड़ा सेल जो होगा वो माइक्रोपाइल की तरफ होगा। ये बड़ा सेल है, ये छोटा सेल है, तो बड़ा सेल क्या होगा, माइक्रोपाइल की तरफ होगा, छोटा सेल टुवर्ड्स एंटीपोडल होगा,
तो बड़े सेल का क्या नाम होगा? सस्पेंसर सेल टुवार्ड्स माइक्रोपाइल एंड स्मॉलर सेल एम्ब्रियोनल सेल। छोटे वाले सेल का नाम होगा एम्ब्रियोनल सेल। तो अब मैं इसको बाहर निकाल के बड़ा करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये जायगोट था, 2N। इसके अंदर में क्या हुआ? माइटोसिस डिवीजन हुआ, तो एक छोटा सेल एक बड़ा सेल बना। तो छोटा सेल का नाम हो जाएगा एम्ब्रियोनल सेल और बड़े सेल का नाम होगा सस्पेंसर सस्पेंसर सेल। ठीक है, दो सेल बन गया। आपको ये याद रखना है, यहां ये माइक्रोपाइल है, ये चैलेजा है। तो सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ होगा, एम्ब्रियोनल सेल चैलेजा की तरफ होगा या एंटीपोडल की तरफ होगा। आगे है, सस्पेंसर सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्मिंग 6 to 10 सेल लॉन्ग सस्पेंसर। अब एम्ब्रियोनल सेल में कुछ नहीं होगा, अभी डिवीजन होगा सस्पेंसर सेल में। किस में डिवीजन होगा? सस्पेंसर सेल में डिवीजन होगा। और डिवीजन ऐसे होगा कि 6 से 10 सेल लंबा सस्पेंसर बन जाएगा। तो आप यहां पे बना सकते हैं, यहां से लेके यहां तक क्या है? सस्पेंसर है। और ये एम्ब्रियोनल सेल है। क्लियर है? द सस्पेंसर सेल अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन एंड फॉर्म 6 to 10 सेल लॉन्ग सस्पेंसर। द फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर इज लार्ज। पहला सेल जो होगा सस्पेंसर का वो बड़ा होगा। एट माइक्रोपाइल एंड, ये माइक्रोपाइल की तरफ है तो ये भी माइक्रोपाइल की तरफ ही होगा। कॉल्ड हॉस्टोरियम, इसको हॉस्टोरियम कहते हैं या वेसिकुलर सेल कहते हैं, दोनों नाम से जानते हैं इसको, हॉस्टोरियम या वेसिकुलर। या वेसिकुलर इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद द लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवार्ड्स एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियो सेल की तरफ, ये लास्ट सेल है, इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। ये रूट जहां से निकलेगा उस पोर्शन को रेडिकल कहते हैं और उसके टिप को बनाता है। रूट रेडिकल के टिप को कौन बनाएगा? हाइपोफाइसिस बनाएगा। यानी कि एम्ब्रियोनल सेल के जस्ट लगा हुआ जो सेल है सस्पेंसर का, इसको कहेंगे हाइपोफाइसिस। इसको क्या कहेंगे? हाइपोफाइसिस। स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया? जायगोट, ये जायगोट है, इसमें पहला डिवीजन होगा, बड़ा सेल छोटा सेल बनेगा, उसके बाद सस्पेंसर सेल एम्ब्रियोनल सेल नाम रखा जाएगा। सस्पेंसर सेल में डिवीजन होगा, सस्पेंसर बनेगा और एम्ब्रियोनल सेल ऐसे ही रहेगा। अब एम्ब्रियोनल सेल में क्या होता है वो देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियोनल सेल किस तरह डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड्स ट्वाइस। एम्ब्रियोनल सेल दो बार डिवाइड करेगा वर्टिकली, यानी कि इस तरह से एक बार डिवीजन होगा, दो सेल बन जाएगा इस ऐसे, और फिर एक बार और इसमें डिवीजन होगा तो वो क्या हो जाएगा? चार सेल बन जाएगा।
तरह से आप देख रहे हैं कि एक सेल, दो सेल, तीन सेल और चार सेल, ठीक है। ये जो एमिनेंट सेल है, पहले पहली बार वर्टिकल डिवीजन और फिर दूसरी बार वर्टिकल डिवीजन, तो इससे दो बनेगा, टोटल चार सेल बन जाएगा। क्या है? ट्वाइस वर्टिकली एंड वंस ट्रांसवर्सली, और एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह का सेल देखने को मिलेगा। पहले तो ये यहां बना रहा है, इस तरह का सेल देखने को मिलेगा, एक दो तीन चार पांच छह सात, और आठवां सेल जो होगा वो इसके पीछे होगा, ठीक है। तो टोटल आठ सेल का एम्ब्रियो यहां पे बन जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टेप वाइज देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो इसको अब हम लोग थोड़ा छोटा बना लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है, ये था हमारा एम्ब्रियोनल सेल। इसमें वर्टिकल डिवीजन होगा, ये पहले ऐसे था, अब हम इसको इस तरह का है, एक दो तीन चार, चौथा सेल उसके पीछे होगा, और फिर इसी में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, इसको भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां आप देख रहे हैं एम्ब्रियोनल सेल दो सेल स्टेज हुआ, दो सेल से चार सेल स्टेज हुआ, ये दोनों ट्रांसवर्स डिवीजन से है, और सॉरी ये दोनों वर्टिकल डिवीजन से है, और आगे इसी में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, तो दो लेयर बन गया, एक नीचे और एक ऊपर, चार सेल ऊपर और चार सेल नीचे, एक दो तीन और चौथा ये हुआ, एक दो तीन और चौथा उसके पीछे होगा, ठीक है। तो टोटल आठ सेल स्टेज ये एम्ब्रियो हो गया। इसको यहाँ पे एक ये लेयर है और एक ये लेयर है, दो टीयर है, यहाँ पे टीयर बोला गया है। तो एक होगा एपिबेसल, एक होगा हाइपोबेसल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोबेसल, हाइपोबेसल टीयर, और ये हो जाएगा एपिबेसल, एपिबेसल टीयर। तो यहां पे इसको बेस माना गया है, बेस के नीचे हम लोग इसको उलट के देख रहे हैं, इसीलिए इसको नीचे समझेंगे, इसको ऊपर समझेंगे। तो बेस के ऊपर एपिबेसल, बेस के नीचे हाइपोबेसल, ठीक है। तो इस तरह से दो लेयर का ये ऑफ आठ सेल का एम्ब्रियो है, एपिबेसल लेयर और हाइपोबेसल लेयर। यहां देखिए क्या लिखा है, दिस रिजल्ट, यहां जो दो ट्रांसवर्स, दो वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ टू टीयर्ड एट सेल एम्ब्रियो, आठ सेल का दो टीयर्ड एम्ब्रियो बनेगा। द एपिबेसल टीयर फॉर्म्स टू कॉटिलीडन, ये जो एपिबेसल टीयर है इससे दो कॉटिलीडन बनेंगे, क्योंकि डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे दो कॉटिलीडन बनेगा और एक प्लूम्यूल बनेगा। इसी से प्लूम्यूल, जिसे शूट का डेवलपमेंट होगा, स्टेम तैयार होगा, वो इसी से होगा। एपिबेसल लेयर से क्या बनेगा, प्लूम्यूल बनेगा और कॉटिलीडन, कितने कॉटिलीडन, दो कॉटिलीडन बनेंगे, ठीक है।
अब हाइपोबेसल लेयर का क्या काम है? हाइपोबेसल लेयर प्रोड्यूसेस हाइपोकोटाइल, कोटिलीडन के नीचे जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल, कोटिलीडन के नीचे, हाइपो माने के नीचे, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल बनाएगा, कोटिलीडन के नीचे वाला पोर्शन बनाएगा, और मोस्ट ऑफ द रेडिकल, कई सारे रेडिकल बनाएंगे। रेडिकल वो पार्ट है हाइपोकोटाइल का जिससे जर निकलेगा, ठीक है। तो हाइपोबेसल टीयर से क्या बनेगा? हाइपोकोटाइल बनेगा और कई सारे रेडिकल बनेंगे, जबकि एपीबेसल टीयर से क्या बनेगा? प्लीम्यूल बनेगा और दो कोटिलीडन बनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, द ऑक्टेंट एम्ब्रियो अंडरगोज फर्दर डिवीजन एंड प्रोड्यूस। ये जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है ये और ज्यादा डिवीजन में जाएगा, ये और ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा और ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो बना लेगा, और उसके बाद फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा जो दो कोटिलीडन को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं स्टेप वाइज और इधर भी उसका डिटेल लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसा ऑक्टेंट एम्ब्रियो अंडरगोज फर्दर डिवीजन एंड प्रोड्यूस। ये जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है बार बार डिवीजन करेगा तो बहुत सारे सेल बन जाएंगे। जब बहुत सारे सेल बन जाएंगे तो उसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, अलग अलग ग्रुपिंग होगा सेल का और उसका अलग अलग काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ सेल प्रोटोडर्म बनाएंगे जो आगे चल करके एक पार्ट बनाएंगे प्लांट के टिश्यू का, प्लांट के स्ट्रक्चर का। उसके बाद प्रोकैम्बियम, ये क्या है? ये आपको डिविजिबल सेल होता है, बार बार डिवीजन करके ग्रोथ करेगा। मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम, ये बेसल पार्ट बनाएगा, ग्राउंड पार्ट बनाएगा जिसमें बहुत सारे प्लांट का वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये सब इनिशियल जो स्ट्रक्चर है प्लांट का, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम, ये सब क्या होगा? इसी ग्लोबुलर एम्ब्रियो में और हार्ट शेप एम्ब्रियो में क्या होगा? उसका बनना होगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रियो इज इनिशियली ग्लोबुलर। शुरू में एम्ब्रियो ग्लोबुलर रहेगा, गोलाकार है, बट ड्यू टू ग्रोथ ऑफ कोटिलीडन, कोटिलीडन इसमें जो ग्रो करेगा इट बिकम्स हार्ट शेप, ये हार्ट के आकार का हो जाएगा, और फाइनली वो अपना जो एक उसका आइडियल शेप है डाइकोट एम्ब्रियो का वो ले लेगा, एक टिपिकल शेप ले लेगा जो यहाँ हम आपको दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये फाइनल शेप एम्ब्रियो का, जिसमें ऊपर में ये सस्पेंसर है जो इसको न्यूट्रिएंट देगा, और सस्पेंसर के लास्ट में रेडिकल है जहाँ से रूट डेवलप होगा। यहाँ देखिए दो कोटिलीडन के बीच से यहाँ पे प्लीन्यूल है जहाँ से शूट डेवलप होगा जब जर्मिनेशन होगा तब, और ये दोनों लोब जो है वो कोटिलीडन्स हैं, दो कोटिलीडन है इसलिए कि डाइकोट एम्ब्रियो का ये स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जायगोट बनेगा एक एपरेटस में, यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म पहले बनना शुरू होगा, जायगोट थोड़ी देर के बाद शुरू होगा बनना। क्यों? क्योंकि जायगोट को एम्ब्रियो बनने के लिए ये क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, और यहाँ पे न्यूट्रिशन कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा, इसीलिए जायगोट और एंडोस्पर्म दोनों साथ साथ डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियो पहले शुरू होगा और जायगोट का एम्ब्रियो बनना देर से शुरू होगा, एंडोस्पर्म बनना पहले शुरू होगा और जायगोट का एम्ब्रियो बनना थोड़ा सा देर से शुरू होगा, ठीक है।
इस तरह से अब जायगोट में क्या होगा, एक माइटोसिस डिवीजन होगा जो अनइक्वल होगा, एक एम्ब्रियोनल सेल बनेगा जो छोटा वाला सेल है, बड़ा वाला सेल सस्पेंसर सेल बन जाएगा। उसके बाद सस्पेंसर सेल में पहले डिवीजन होना शुरू हो जाएगा और बार बार डिवीजन होने के बाद 6 से 10 सेल का लंबा सस्पेंसर बना लेगा। पहले वाला सेल जो होगा सस्पेंसर का वो बड़ा साइज का होगा, जो किधर होगा, माइक्रोपाइल की तरफ का होगा, उसको हॉस्टोडियम कहेंगे, वेसिकुलर सेल कहेंगे। उसके बाद लास्ट सेल जो होगा सस्पेंसर का जो एम्ब्रियोनल सेल से लगा होगा उसको हाइपोफाइसिस कहेंगे, ठीक है। अब इतना डेवलप हो जाने के बाद एम्ब्रियोनल सेल में क्या होगा, दो बार वर्टिकल डिवीजन होगा, यहाँ एक वर्टिकल डिवीजन दो सेल बना, दूसरा वर्टिकल डिवीजन चार सेल बना, 1, 2, 3 और एक उसके पीछे 4। अब एक इतना हो जाने के बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो टोटल 8 सेल बन जाएगा, दो लेयर में 4 ऊपर और 4 नीचे। यहाँ पे जो हाइपोफाइसिस से लगा हुआ है सस्पेंसर सेल के, उसको हाइपो बेसल टीयर कहेंगे, और जो दूर है सस्पेंसर से उसको एपी बेसल टीयर कहेंगे। अब ये ऑक्टागोनल ऑक्टेंट जो एम्ब्रियो है, 8 सेल वाला एम्ब्रियो, इसमें बार बार डिवीजन होगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाएगा। ग्लोबुलर एम्ब्रियो में क्या होगा, बहुत सारे सेल हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा, अलग अलग काम कर जाएगा, तो अलग अलग टाइप के टिश्यू बन जाएंगे, जैसे प्रोटोडर्म बनेगा, प्रोकैम्बियम बनेगा, ग्राउंड मेरिस्टेम बनेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर और भी डिफरेंशिएशन होगा, जैसे यहाँ देखिए कि इसमें और भी डिवीजन और डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसमें कॉटिलीडन का डेवलपमेंट हुआ 2, तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। और फाइनली ये आइडियल एम्ब्रियो बन गया, जैसे इसमें 2 कॉटिलीडन है, 1 प्लीन्यूल है, रेडिकल है और सस्पेंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, जो बहुत ही आसान है, इसको आप समझ गए हैं तो वो बहुत आसान है, इसको भी इसी में हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस फिगर को अच्छे समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। ये तो डेवलपमेंट था, अब एक आइडियल डाइकोट एम्ब्रियो अगर आपके सामने दिया जाए तो उसके में आप क्या क्या चीज़ देखेंगे, तो इस हेडिंग के अंदर हम लोग देख रहे हैं। ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलीडन, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और 2 कॉटिलीडन होगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपको एक चना का फोटो दिख रहा है। इस चना को जब आप पानी में फुला देंगे, पानी में भिगो देंगे और उसका फिर उसको सूखे में या रुई पे रख देंगे, तो क्या होगा, उसमें अंकुरण आएगा। जब आप उस अंकुरण को, जब सीड कवर को हटाएंगे और उस दोनों कॉटिलीडन को बड़ी सावधानी से अलग करेंगे, तो आपको क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। आप चना के बदले में मटर पर भी, मूंग पर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऐसा भी देख सकते हैं, और इसके ऊपर सीट कवर होगा, सीट कोट होगा। जब आप बगल से देखेंगे
तो एक के पीछे दूसरा कॉटिलीडन है, ये एक कॉटिलीडन, दूसरा नंबर कॉटिलीडन, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अगर आप इसी को खोल करके देखेंगे, ऐसे देखेंगे और ऐसे खोल के देखेंगे, जब आप ऐसे खोल के देखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कॉटिलीडन अगल बगल में है, ठीक है, और बीच में क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको पता चल गया, ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसमें ये दोनों क्या है, कॉटिलीडन है, कॉटिलीडन है, और कॉटिलीडन के अटैचमेंट के ऊपर और कॉटिलीडन के अटैचमेंट के नीचे, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलीडन के अटैचमेंट के ऊपर है, जैसे ये पोर्शन, तो इसका नाम होगा एपी कोटाइल, इसका नाम क्या है, एपी कोटाइल, और कॉटिलीडन के अटैचमेंट के नीचे जो पोर्शन है इसका नाम है हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल आपको समझ में आ गया, कॉटिलीडन के अटैचमेंट के नीचे और एपी कोटाइल कॉटिलीडन के अटैचमेंट के ऊपर। ठीक है, अब हाइपोकोटाइल से क्या डेवलप होगा, तो हाइपोकोटाइल से जो डेवलप होगा उसको हम कहेंगे रेडिकल। ये क्या है, रेडिकल है, और एपी कोटाइल से क्या डेवलप होगा, इसको कहेंगे प्लीनियम। प्लीनियम डेवलप हुआ, तो आप इसको ही वही समझ सकते हैं, ये कॉटिलीडन का अटैचमेंट है, तो ये हो गया एपी कोटाइल, ये हो गया हाइपोकोटाइल, एपी कोटाइल ये हो गया, हाइपोकोटाइल ये हो गया, रेडिकल ये हो गया, प्लीन्यूल। और रेडिकल के ऊपर एक कवर होता है, रेडिकल के ऊपर टेरिस्ट्रियल प्लांट में, जो प्लांट लैंड पे उगते हैं, मिट्टी पर उगते हैं, उसके रूट के ऊपर रूट कैप होता है। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है, द रूट टिप कवर्ड विथ रूट कैप, ये पानी में उगने वाले पौधों के लिए नहीं कहा जा रहा है, जमीन पर उगने वाले पौधों के जड़ के एंड में क्या होता है, रूट कैप होता है, तो यहां पर ही आप रूट कैप बना दीजिए। रूट कैप, यहां भी रूट कैप है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये फिगर समझ में आ गया होगा, अब हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दो कॉटिलीडन होगा, यहाँ यहाँ दो कॉटिलीडन है, एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस में एपिकोटाइल है और हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइल क्या होता है, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो भाग जो एबव द अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडन, कॉटिलीडन के अटैचमेंट के ऊपर हो, कॉटिलीडन का अटैचमेंट यहाँ है उसके ऊपर, यहाँ उसको हम एपिकोटाइल कहेंगे। इट टर्मिनेट्स विथ प्लीम्यूल और स्टेम टिप, ये एंड कैसे होता है, प्लीम्यूल से, यहाँ प्लीम्यूल, प्लीम्यूल को स्टेम टिप भी कहते हैं। उसके बाद है हाइपोकोटाइल, नीचे वाला पोर्शन की बात कही जा रही है, हाइपोकोटाइल क्या है, द सिलिंड्रिकल पोर्शन, ये एक सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, बिलो द अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडन,
हाइपोकोटिलेडन नाम से जा रहे हैं, हाइपो माने के नीचे, कोटिल माने कोटिलेडन, कोटिलेडन के नीचे, तो कोटिलेडन के अटैचमेंट के नीचे जो पोर्शन है उसको कहेंगे हाइपोकोटाइल। उसके बाद इट टर्मिनेट्स विथ रेडिकल और रेडिकुलर रूट टिप, ये जो एंड होता है हाइपोकोटाइल वो रेडिकल के, रेडिकल पे अंत होता है, तो रेडिकल को रूट टिप भी कहते हैं, ये रेडिकल, और इसी को रूट टिप भी कहते हैं। और रूट टिप जो होगा वो कवर्ड होगा, वो घिरा हुआ होगा रूट कैप से, रूट कैप टेरिस्ट्रियल प्लांट में होगा, जो स्थल पे प्लांट होते हैं उस पर होगा, ठीक है। और अगर एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट समझ में आ रहा है आप लोगों को, जो पानी में उगने वाला पौधा होता है उसमें रूट कैप की जगह क्या होता है, रूट पॉकेट होता है, क्या होता है, रूट पॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे रूट कैप इसलिए लिखा गया क्योंकि ये टेरिस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। पानी में उगने वाले पौधों में रूट टिप के ऊपर क्या होता है, रूट पॉकेट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, लेंथी जरूर है लेकिन स्टेप वाइज पॉइंट वाइज इसको समझाया गया है। आप इस फिगर को जरूर सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप वाइज, यहाँ नहीं, पहले आपको ये देखना है, इसी को बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है, उसके बाद ये है, फिर ये फिगर है, फिर यहाँ से यहाँ शुरू हुआ है, उसके बाद इस तरह से आया है, फिर यहाँ से यहाँ पे एंड हो गया है, ठीक है। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर आप इस तरह का ही बना सकते हैं, इसको लेबल कर देंगे ये कोटिलेडन है, या आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये दोनों कोटिलेडन, ऊपर एपिकोटाइल, उसके ऊपर प्लीम्यूल, नीचे हाइपोकोटाइल, उसके नीचे रेडिकल। तो इस तरह से आप इस फिगर को जरूर ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी पर, इसे भी ड्रॉ करेंगे और इसको समझेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।